बिल्ड क्वालिटी है इसकी और बहुत ही अच्छा इसका फॉग लैम्प आता है। ए बिल्ली गई यहाँ से अच्छी वाली, तो बात सीधे लगेगी फॉग लैम्प, और फॉग लैम्प तो आपको बताइए कीकारी की है। तो अभी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, अभी इसको इंस्टॉल करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। तो एच का मतलब है गाइस हाई और एल वाला मतलब लो। अपना आफ्टर मार्केट हॉर्न लग चुका है, दूसरा कंपनी का ओरिजिनल निकाल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार आदाब, केम चोन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिलन माइस ब्लॉग, और एक बार फिर से आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ पल्सर। लास्ट वाले ब्लॉग में देखा था पल्सर 125 थी NS, और आज अपने पास है ब्लैक कलर की पल्सर 135। इसके अंदर भी मॉडिफिकेशन होने वाला है, क्या मॉडिफिकेशन है आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी नवाब इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर रहा है, तो देख सकते हैं पल्सर 135 LS है मॉडल है। इसके अंदर एक तो सीट लगी हुई है, बहुत ही बेहतरीन लग रही है, बहुत अच्छी कंफर्टेबल है। तो इसके अंदर लग रही है गाइस फॉग लैम्प, तो जो पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोग बता रही फॉग लैम्प लगने वाली की कारेगी, और बहुत ही अच्छा इसका फॉग लैम्प आता है बिल्ड क्वालिटी से लेके। वाटर प्रूफ आती है, वायरिंग आती है, सारी चीजें क्लैम्प मिल जाएगी, तो वो यहाँ पे लगने वाला है। और उसके अलावा इसमें लगने वाला है हॉर्न, आफ्टर मार्केट हॉर्न लगाएंगे इसके अंदर। तो अभी इसकी वायरिंग चल रही है, जैसे होगा मैं आप लोग बताऊंगा। इसके साथ इसकी स्विच है, इसके क्लैम्प्स है, और फॉग लैम्प तो आपको बताइए भी कर रहा है इसकी वायरिंग हॉर्न की, साथ साथ फॉग लैम्प की वायरिंग भी चल रही है, जैसे लगती है आप लोगों को बताऊंगा। अगर आपके पास पल्सर 135 LS है, फॉग लैम्प लगानी है, तो आप लगा सकते हैं, बहुत ही मस्त इसका लुक निकल के आता है। सो देखिए इस हॉर्न के अंदर इस तरीके से वायरिंग होती है, तो अभी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, अभी इसको इंस्टॉल करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है आफ्टर मार्केट हॉर्न। तो इसके अंदर गाइस एक नहीं दो हॉर्न लगने वाले हैं, देखिए एक ये वाला है और एक दूसरा 12 वॉट का ये हॉर्न है। तो एच का मतलब है गाइस हाई और एल वाला मतलब लो, ये हाई बजेगा और वो वाला लो बजने वाला है। एक इंस्टॉल हो रहा है, दूसरा वहां पे इंस्टॉल करेंगे। तो इसको देखिए गाइस यहाँ पे आते हैं दो हॉर्न, इसके अंदर दो हॉर्न थे एक ही था कंपनी का, अच्छा तो कंपनी के इसके अंदर दो हॉर्न थे, तो एक निकाल लिया, ये भी निकल जाएगा, एक अपना आफ्टर मार्केट हॉर्न लग चुका है, दूसरा कंपनी का ओरिजिनल निकाल रहे हैं, ओरिजिनल निकाल के आफ्टर मार्केट लग जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया 12 वोल्ट का होने, वायरिंग तो नवाब ने कर दी ऑलरेडी, इसकी वायरिंग देखिए निकाल दी है, फिर मैं आपको इसका साउंड सुनाऊंगा। सो ये लो भाई दूसरा हॉर्न भी फिट हो चुका है, हाई एंड लो। एक हॉर्न का कलर है लाल और दूसरे हॉर्न का कलर है ब्लू, और पीछे सैफरन कलर का बैकग्राउंड है। वायरिंग इसकी कम्प्लीट हो चुकी है, फिट हो चुका है। सो भाई हॉर्न तो लग गया, उसके साथ साथ मैंने आप लोग को बताया था, ये आप देख सकते हो ये है कटआउट है, कटआउट का मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था इसका यूज क्या होता है। आपकी जो बैटरी होती है उस पर लोड कम देता है, और ये बैटरी भी सेव करता है ये, और हॉर्न खराब होने से भी बचाता है, तो ये कटआउट डालना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो कुछ इस तरह का होता है कटआउट, देख सकते हो गाइस। दोनों हॉर्न के वायर हो गए वो इसके अंदर लगेंगे, इसके अंदर चार दिए होते हैं ना, देखो एक दो तीन चार, चार इसके सिरे होते हैं, तो चारों सिरों में इसका वायरिंग होगा, और कटआउट अच्छा रहता है बैटरी के परफॉर्मेंस के लिए। और इसके साथ साथ मैं आप लोग बता दूं, ये है कुछ स्टिकर्स है, तो स्टिकर्स भी लगने वाला है, इसका भी थोड़ा मॉडिफिकेशन होने वाला है। ये जो स्टिकर आप देख सकते हो ये रेडियम वाले हैं, जैसे देख सकते हो इस तरीके से मैं इसको मूव कर रहा हूँ, तो अलग अलग तरीके का कलर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ग्रीन है, येल्लो है, देखिए पूरा कलर चेंज होता है। ये रेडियम वाला है, जैसे लाइट लगेगी, लाइट पड़ेगी इसके ऊपर, इसका कलर चेंज होता रहेगा, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो इसको आप जो है ड्रीम्स में भी लगा सकते हो, बहुत ही मस्त लगता है, ऐसा लगेगा कि लाइट लग रही है पर लाइट नहीं है, ये रिफ्लेक्टर है, और बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाले रात को। तो आप चाहो तो लगा सकते हो। बजा हॉर्न बजाओ गाइस, मैं आप लोग बता रहा हूँ हॉर्न बजा के। तो ये रहा आफ्टर मार्केट लाउडेस्ट हॉर्न। नवाब हंस रहा है, बहुत ही लाउड है, बहुत ही ज्यादा लाउड। हाँ तो फाइनली गाइस लग चुका है इसके अंदर हॉर्न, देखा आपने, एक हाई डाला एक लो डाला, 12 वॉट का हॉर्न लग गया है। अब इसके बाद लगने वाली इसके अंदर फॉग लैम्प्स, तो फॉग लैम्प भी लगाने वाले, बहुत ही मस्त ब्यूटीफुल लगने वाली। और ये वाली जो चीज़ है मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, मैं सोच रहा हूँ अपनी बाइक में लगाऊं। है लगाया ठीक है, तो ये साइड में आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए रिम स्टिकर यहाँ पे लगाए हुए, ये अपने रिम स्टिकर से कितने मस्त लग रहे हैं, तो जैसे लाइट लगेगी ना रिफ्लेक्ट होगा, अभी शायद नहीं दिख रहा है ये, पर मैं सोच रहा हूँ लगाऊं अपनी बाइक में। और भाई इसके साथ साथ यहाँ पे लग रही है फॉग लैम्प, जो क्रैश गार्ड है उसके ऊपर ही लगती है, और क्योंकि सबसे बेस्ट पोजीशन और बेस्ट
जगह यही वाली रहती है, आप जो है अपने क्रेडिट कार्ड पे लगा सकते हो, अगर जो ऑप्शन नहीं है तो वो भी हो जाता है। पर सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा, यहाँ पे क्लैंप लग चुका है, क्लैंप ये राइट साइड में लगेगा, उसके बाद लेफ्ट साइड में लगेगा यहाँ पे, फिर उसके बाद लगने वाली फॉग लैंप। फिर भी आप लोग बताऊँ, ये उसका फाइनल काम है। ये पल्सर के अंदर सिर्फ दो ही काम था, एक तो लगाया फॉग लैंप और दूसरा आपने देखा हॉर्न डाला आफ्टर मार्केट लगा रहा है। इसके अंदर हॉर्न का काम कर रहा है, वायरिंग कम्प्लीट हो चुकी है, कटआउट हो चुका है और सानू भाई लगा रहा है इसके अंदर फॉग लैंप का क्लैंप। लेफ्ट साइड लग चुका है, अभी राइट साइड लगाएंगे, फिर इसके बाद सीधे लगेगी फॉग लैंप। और फॉग लैंप तो आपको बताइए किकारी की है, येलो कलर आएगा उसके अंदर और दूसरा आएगा व्हाइट कलर, दो कलर उसके अंदर आते गाइस। तो ये एक और मॉडिफिकेशन मैंने आपको बताया, अभी नवाब लगा रहा है इसके अंदर रिफ्लेक्टर स्टिकर्स आते हैं, वो रिम स्टिकर पे लगा रहे हैं। तो देखिए भाई, मैंने फ्लैश चालू करके बता रहा हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को आइडिया आएगा कि लाइट चलती है तो किस तरीके का ये रिफ्लेक्ट करता है। जो रिम स्टिकर लगे हुए हैं देख सकते हो, ऐसा लग रहा है कि लाइट चालू है। अगर आप भी ऐसा मॉडिफिकेशन कराना चाहते हैं तो करवा सकते हो, रिम स्टिकर छोटे छोटे आते बहुत ही मस्त लगते हैं, देख सकते हो भाई। और रात को तो और भी अच्छे लगने वाले हैं, जैसे मैंने फ्लैश लाइट ऑन किया एकदम अट्रैक्टिव लुक आ रहा है इसका। फाइनली इसके अंदर 135 पल्सर के अंदर अपना मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, जो जो इसके अंदर काम था मैंने आप लोगों को बताया, हॉर्न से लेके रिम स्टिकर और उसके बाद फॉग लैंप वायरिंग सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। तो ये वाला जो मॉडिफिकेशन था, अगर पल्सर में आप कराना चाहते हो तो जो मॉडिफिकेशन था वो था पल्सर के बारे में 135 LS। देखिए फॉग लैंप भी लग चुकी है, अभी इसकी वायरिंग बाकी है, ऐसे ऑलमोस्ट काम डन हो चुका है। दो इसमें मॉडिफिकेशन था, आफ्टर मार्केट हॉर्न और उसके अलावा फॉग लैंप, और तीसरा जो मॉडिफिकेशन था वो था रिम स्टिकर्स रिफ्लेक्टर वाले। आज आपने देखा पल्सर के अंदर अपने दो मॉडिफिकेशन किए, एक तो पल्सर NS125 थी और दूसरी थी पल्सर 135 LS। फाइनली इसका मॉडिफिकेशन कम्प्लीट हो चुका है, अभी शाम हो चुकी है, वैसे मैं आ रहा दोपहर से गाइस, हालत एकदम खराब हो चुकी है। इसी बात पे आप लोग को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। एंड आई होप गाइस आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अगर आपको मॉडिफिकेशन सीरीज पसंद आती है तो ऐसी मॉडिफिकेशन सीरीज आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर जरूर करना गाइस, कमेंट फॉलो शेयर अब्दुल्ला अब्दुल्ला राइट आई डी फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, यूट्यूब का चैनल लाइक करो ना फॉलो करो। हाँ भाई, फ्यू बाय डेज बाद भी सुनते दोस्तों ऐसे के लिए मजेदार और शानदार ब्लॉग में। Yeah, I got the juice like a snow cone. Ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave? That's a no-go. Shake it, shake. Señoritas going loco. Shake it, shake. Make it bounce like a pogo. All my haters see rojo. They big mad 'cause they coming up short like Frodo.